नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, डॉक्टर कीर्तीच्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. आज मी कक्षा 6वी सुलभ भारती मराठी यातली तिसरी कविता पाऊस आला पाऊस आला ही घेऊन आलेली आहे. आज आपण याचा अर्थ बघूया, व्याख्या बघूया. इस कविता की व्याख्या को हम हिंदी और मराठी दोनों में ही देख रहे हैं, ठीक है. तो हम इसको हिंदी भाषी लोग जिनको बिल्कुल मराठी समझ में नहीं आती उनके लिए हम शुरुआत करते हैं. यहाँ पर कविता में आपके सामने लिखा हुआ है कि एका म्हणा आणि वाचा. एका मतलब सुनना, म्हणा मतलब बोलना और वाचा यानी पढ़ना, ठीक है. तो इस तरीके से हम इसको यानी किसी भी कविता को हम सुनकर बोलकर और पढ़कर ही देखते हैं, है ना. इसलिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ. इसको लिखा है विंदा करंदीकर ने और हम अब इसके अर्थ को देख लेते हैं. ये कविता इस तरीके से बारिश के ऋतु का वर्णन किया गया है. इसके अंदर बताया गया है कि बारिश कब आई है, फिर बारिश आने से क्या क्या हुआ और उसके बाद में स्कूल के बारे में बताया गया है. अंत में हमें कि जब बारिश आती है तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है, इस तरीके से बच्चों की मजा हो जाती है, तो वो हमें यहाँ पर बताया गया है. अब हम पहली चार लाइनों को देखते हैं कि पाऊस आला एन दुपारी विजा चमकल्या. पाऊस यानी बारिश, तो बारिश आई इस तरीके से, है ना. बारिश आ गई, एन दोपहरी विजा चमकल्या, भरी दोपहर में जो है बिजली चमकने लगी, अंधेरा सा छा गया, है ना. बारिश आने के पहले क्या होता है, बिजली चमकती है और अंधेरा सा छा जाता है. तो बोले भर दोपहर में जो है बारिश आया है बिजली की आवाज़ के साथ और कड़ाड़ कड़कड़ भणाण वारा. और जो हवाएँ छूट रही है वो हवाएँ कैसी छूट रही है, एकदम भयंकर आवाज़ के साथ में, यानी वो जो हवा है उनका जो आवाज़ वो डरा देने वाला है. कड़ाड़ कड़कड़ भणाण वारा यानी डरा देने वाली हवाएं. जिकड़े तिकड़े गारा गारा और जहां वहां, जिकड़े यानी जहां, तिकड़े यानी तहां, जहां तहां देखो तो गारा गारा यानी कि ओले पड़े हुए हैं. बारिश के साथ में ओले भी गिर रहे हैं, ओले वाली बारिश हो रही है. तो यहाँ बोल रहे भर दोपहर में बारिश, बिजली की चमक के साथ में बारिश आ रही है, साथ में डरा देने वाली हवाएं चल रही है और जहाँ वहाँ देखेंगे तो ओले गिरे हुए हैं. ओले यानी बर्फ के टुकड़े, है ना, जो बारिश के साथ में बर्फ के छोटे छोटे गोले नुमा गिरते हैं, है ना. वो पाऊस आला, आगे की चार लाइनें, पाऊस आला दिवाळीतला खचला किल्ला, भूंकत सुटली सगळी कुत्री, आजोबांनी शिवली छत्री. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि पाउस जो है यानी बारिश जो है उससे क्या नुकसान हुआ. तो बच्चों ने दिवाली में घर के सामने एक सुंदर सा किला बनाया था. देखिए आप यहाँ पे इस चित्र को देख सकते हैं, उन्होंने इतना प्यारा सा जो है किला बनाया था और वो किला जो है इस बारिश के कारण क्या हो गया, ढह गया है. खचला यानी ढह जाना, बह जाना बारिश के पानी में, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ है ना. दिवाली पर बच्चे मिट्टी से घर बनाते हैं, उस घर को रंगते हैं, उसमें दिए लगाते हैं, खुश होते हैं, है ना. दिवाली का ये उनका उद्योग रहता है, दिवाली की छुट्टियों का. तो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया हुआ जो किला है वो जो है वो बारिश के पानी से बह गया. पाऊस आला दिवाळी तला खचला किल्ला, किल्ला भी बह गया. भूंकत सुटली सगळी कुत्री और बारिश के आवाज़ के कारण, बारिश जैसी आई हवा और ये सब देखते हुए कुत्ते जो है भूकते हुए भागने लगे. भूंकत सुटली यानी भूकते हुए भागने लगे और आजोबांनी शिवली छत्री, और जो घर में आजोबा है दादाजी है उनको चिंता हो गई कि बारिश जो आ रही है इसलिए जो छतरी फटी हुई रखी है उसको पहले सी लिया जाए. तो आजोबांनी शिवली छत्री, आजोबांनी जो दादाजी है उन्होंने अपनी छतरी को सी लिया, है ना. शिवली यानी सी लिया. पाऊस आला उशीर त्यातच हा घोटाळा, बाबा गेले करीत चढफळ, आईचे ही भिजले पापड. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि बारिश तो आई और उससे क्या हुआ, जो बाबा यानी पिताजी को ऑफिस जाने में पहले ही देर हो रहा था, उशीर यानी देर हो रही थी, त्यातच हा घोटाळा यानी उसमें और देखा तो ये सब घोटाळा यानी पहले ही देर हो रही, उसमें जो है ये बारिश जो है वो और आ गई तो और ज़्यादा उनकी मुसीबतें बढ़ गई. अब बाबा गेले करीत चढफळ, अब वो ऑफिस जाते समय चिड़चिड़ करते हुए गुस्से से वो ऑफिस गए, चढ़
चड़फड़ यानी गुस्सा करना, है ना। तो वो गुस्सा करते हुए ही ऑफिस के लिए गए। आई चे ही भिजले पापड़ और माँ ने भी जो पापड़ बनाकर बाहर सूखने के लिए रखे थे वे भी सब बारिश में जो है भीग गए, है ना। ये देखिए माँ यहाँ पे खड़ी है, इन्होंने पापड़ यहाँ सूखने के लिए आंगन में रखे हुए और ये भी बारिश के पानी से, ये बारिश का पानी आते हुए दिख रहा है, इससे भीग गए हैं। अब यानी कितना घोटाला, कितना गड़बड़ हो गया बारिश के आने से, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। पिताजी को ऑफिस जाने को देर हो गई, वो गुस्सा हो गए और माँ के पापड़ भीग गए। आगे देखते हैं कि पाऊस आला आम्ही केला एकच गिल्ला, गिल्ला कर यानी गोंधळ कर देना, यानी एक बच्चे जो मस्ती करते हैं ना, चिल्ला चोट करते हैं वो। तो पाऊस आला आम्ही केला एकच गिल्ला, बच्चे स्कूल में थे, जैसे ही बारिश आने लग गई वो सब इकट्ठे गिल्ला करने लगे, यानी चिल्लाने लगे, है ना। और हंसत म्हणाल्या मैडम कुट्टी, यानी उनकी मैडम जो है, टीचर जो है, उनका नाम है कुट्टी, और कुट्टी मिस बोली कि चला पड़ा शाळेला सुट्टी, चलो भागो स्कूल को छुट्टी। पड़ा याने भागो, म्हणाला याने बोलना, ठीक है। आम्ही केला हमने किया एकच गिल्ला, याने एकदम से सब चिल्लाने लगे, है ना। क्या चिल्लाने लगे, पाऊस आला अरे बारिश आई ऐसा चिल्लाने लगे। तो जो मिस है उनकी, उन्होंने भी हंसते हुए उनसे बोला कि चलो भागो स्कूल में, अब छुट्टी हो गई है। इस कविता को किसने लिखा है, बिंदा करंदीकर ने। करने आइए हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। एन दुपारी यानी भर दुपारी, यानी भर दोपहर में। भणाण वारा यानी वाऱ्याचा भयभीत करणारा आवाज, यानी हवा का डरा देने वाला आवाज। खचणे यानी खाली खाली जाने किंवा ढासळणे, यानी बारिश से जो मिट्टी है किले की वो गलकर और नीचे नीचे क्या होने लगी, धसने लग गई, है ना। ढासळणे यानी धसना, ठीक है। चड़फड़ यानी राग यानी गुस्सा। गिल्ला करणे यानी गोंधळ करणे यानी मस्ती करना, चिल्लाना जोर से, ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है। तो विद्यार्थियों अब आपको पाऊस आला ये जो कविता है खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।